कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे एक न्यू पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक न्यू पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं और वो भी अपने फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ। तो उस वीडियो में जिस पैन कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था वो बाई पोस्ट हमारे घर तक आ चुका है, जिसकी हम आज आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देते हैं कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन से एक न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह का पैन कार्ड दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पैन कार्ड जो कि बाई पोस्ट हमारे घर पर आ चुका है और इसे हमारे घर तक आने के लिए 10 से 15 दिन लग चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम दिया जाता है, यहाँ पे एक बार कोड आपको दिया जाता है और नीचे आपको यहाँ आपका एड्रेस दिया जाता है और साथ ही आपको यहाँ आपका मोबाइल नंबर दिया जाता है जो कि आपके आधार कार्ड से रजिस्टर होता है। जब भी आपका पैन कार्ड आपके पोस्ट पर आ जाएगा तो इसी नंबर पर आपको कॉल किया जाएगा कि आपका पैन कार्ड कहाँ पर लेके आना है। तो चलिए हम इसे फटाफट से ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हमें कैसा पैन कार्ड मिला है। तो ओपन करने के बाद आपको अंदर एक स्लिप मिल जाती है जिसमें पैन कार्ड की आपको पूरी डिटेल दी गई है कि बाय द वे अगर पैन कार्ड के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे कैसे ठीक करा सकते हैं, आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप इसे कैसे पा सकते हैं और आप अपने पैन कार्ड का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, सारी डिटेल इसमें दी गई है। और आप यहां पे देख सकते हैं इसी में हमारा पैन कार्ड लगा हुआ है और यहां पे चिपकाया गया है, आपको इसे धीरे से निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं हमने अपने पैन कार्ड का बॉक्स निकाल लिया है जिसमें आपका पैन कार्ड दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे पैन कार्ड का बॉक्स, यहां पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर दिया जाता है और यहाँ पर आपको आपका नाम दिया जाता है। तो चलिए इसे हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पैन कार्ड जो कि काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, कहीं भी आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सेम यही पैन कार्ड दिया जाता है। और इस पैन कार्ड को पाने के लिए हमें 106 रुपये पे करने पड़े हैं जो कि मैं वीडियो में अप्लाई करने के टाइम आपको दिखा दिया था कि कितने रुपये आपको पे करने हैं। यहाँ पर आप हमारा फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी क्लियर आया है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है। नीचे आपको आपका नाम मिल जाता है और साथ ही नीचे आपको आपके पिता का नाम भी मिल जाता है। साथ ही हमने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप पैन कार्ड पे किसका नाम चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने वहाँ पे फादर का नाम अप्लाई किया था कि हमें पैन कार्ड पे अपने फादर का नाम चाहिए। नीचे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है और यहाँ आपको आपका सिग्नेचर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया जाता है जिसे स्कैन करके आप अपने पैन कार्ड की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं और ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है। अब चलिए इसके बैक साइड के बारे में बात कर लेते हैं कि बैक साइड में आपको कैसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको आपका पैन कार्ड कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पैन कार्ड का ईमेल वगैरह दिया गया है कि बाय द वे अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है या फिर आपको पैन कार्ड में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ ईमेल के ज़रिए या फिर आपको यहाँ टेलीफोन नंबर दिया जाता है जिस पर कॉल करके आप अपने पैन कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते के अंदर जब आपका डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है तो आपके साइन के साथ आपका पेपर भी वहाँ पे शो होता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको एक फिजिकल पैन कार्ड दिया जाता है तो उसमें आपका पेपर इरेज कर दिया जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक गोरे कागज़ पर ही साइन करना है, किसी ऐसे कॉपी पर नहीं करना है जिसमें कुछ लाइन डली हो। तो उम्मीद करता हूँ ये अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।